Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Rashid Sahib, Mohtaram Muhammad Sardar Chaudhry Sahib, Mohtaram Chaudhry Yani Sahib, Mohtaram Sajjada Khan Gurdwara Sahib, aur is tarah ki ibadat ke musalmanon ke Mohtaram Allama Rizvi Sahib, tamam mehmanane garami पाकिस्तान अवामी तहरीक के अजीम कारकुन और तहरीक किसास के अजीम मुजाहिदों और उसूल इंसाफ की जिद्दोजहद करने वाले जवान हिम्मत भाइयों बेटों बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी मुस्लिम लीग मजलिस इबादत और मुस्लिमीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत तमाम जमातों के रहनुमा और नुमाइंदगान जो आज मॉडल टाउन के शुहदा और उनके मजलूम बेकस और महरूम वारिसों के साथ इजहार यकजहती के लिए माल रोड पर मुनाकिद होने वाले इस अजीम शान इज्तिमा में आए हैं, मैं उन सब जमातों का और उनकी आदतों का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है जिसने सख्त धूप और गर्मी की तपश को दूर कर दिया और इनायत खूबसूरत मौसम और बारिश भेजकर अपनी रहमत की खुशखबरी सुना दी। एक शख्स इक्तदार से बरतरफ हुआ है, वो पूछता है कि मेरा कसूर क्या था। मैं उनसे पूछता हूं, सत्रह जून को 2014 मॉडल टाउन में जिन 14 बेगुनाह लोगों की लाशें गिराई गई और 100 बेगुनाह लोगों के जिस्म गोलियों से भूने गए, उनका कसूर क्या था। याद करें, अल्लाह के हां इंसाफ है, उसमें देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं है। तुम्हारा कसूर तुम्हें मालूम हो, मगर मेरी दानिश में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इंतकाम और मुआवजे का वक्त आ गया। आप लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी थी, आप लोगों ने इंसानी खून को पानी से अज़ा समझ लिया था, आप लोगों ने जिस बेदर्दी के साथ, बड़ी निज्जत के साथ, दरिंदगी के साथ जिस तरह 17 जून को मॉडल टाउन में बेगुनाह लोगों की लाशें गिराई, फिर शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि इसकी तहकीकात के लिए जस्टिस बाकर नकवी का कमीशन मुकर्रर करता हूं, अगर उंगली मेरी तरफ उठ गई तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा। उंगली ने क्या उठना था, जस्टिस बाकर नकवी कमीशन की रिपोर्ट ने पूरा हाथ आपके सर पे रखते हुए कहा कि मॉडल टाउन में कत्लेआम करने वाले, करवाने वाले ये शहबाज शरीफ और पंजाब की हुकूमत है। वो दिन और आज का दिन, आपका कायम किया हुआ कमीशन, आपने उसकी रिपोर्ट को दबा रखा है। आज आप पूछते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई, आप पूछते हैं जेआईटी हमारे खिलाफ बनी, वो जेआईटी और वो सुप्रीम कोर्ट जिसमें 273 दिन तक आपको अगर आप बेगुनाह थे तो बेगुनाही साबित करने का मौका दिया गया,
छह महीने पार्लियामेंट में आपके पास ये केस रहा, आप टीआरओ बनाते रहे, फिर कई महीने सुप्रीम कोर्ट में समाप्त होती रही, दो महीने जेआईटी में समाप्त होती रही, आपके खानदान के एक एक फर्द को बुलाया गया कि आपके सफाई दो। बताओ ये लूट मार अगर नहीं है तो पैसा कहां से कमाया था, कहां से भेजा था, किस दौलत से ये जायदादें खरीदी थी, तुम्हारे मनी ट्रेल क्या है। आपको 273 दिन, पौने 300 दिन अपनी सफाई का मौका पाकिस्तान के कौमी इदारों ने और तहकीकाती कमेटियों ने दिया। आपने कौन से खिताब भी दिए, पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी खिताब किए, मगर हर बार आपकी बदकिस्मती के आपने झूठ बोला, कौम को धोखा दिया, कौम को धोखा दिया। कभी दुबई की स्टील मिल का जिक्र किया और उसे बेचकर कभी जद्दा की स्टील मिल बनाई, उसके बेचने का जमाना लंदन के फ्लैट की खरीदारी के साथ न दिया। आप पूरी कौम को धोखा देते रहे, पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोलते रहे, हत्या के इंतहा ये कि सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए, जाली कागजात तैयार किए, कतरी खत लाए, जेआईटी में जाके झूठ बोलते रहे, जाली तरमीम शुदा डॉक्यूमेंट्स पेश करते रहे, और जुल्म की हद ये कि सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में जाली कागजात दाखिल कराए, जाली डॉक्यूमेंट्स दाखिल कराए। और कानून ये है अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जाली कागजात सबमिट कराए, जाली डॉक्यूमेंट सबमिट करे, फ्रॉडुलेंट कागजात दे, तो सुप्रीम कोर्ट देयर एंड देन 7 साल की कैद का हुक्म सुना सकती है। आप कहते हैं आज कौन को कि हमारे साथ ज्यादती हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इतना हया किया, इतनी नरमी बरती कि आपको वही हथकड़ी लगवा सकती, आपको वही कैद किया जा सकता था, 7 साल कैद का ऑर्डर किया जा सकता था, मगर इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आपको डिसऑनेस्ट करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ हुक्मनामे में लिखा कि यह झूठा शख्स है, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा यह बदयानत शख्स है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसने झूठे जाली डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सादे तो अमीन नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट ने आपको नाअहल किया, और आपकी बदयानती और झूठ की बारिश आपको इक्तदार से बाहर निकाल के फेंक दिया, जेल नहीं भेजा। शुक्र अदा करो, इससे ज्यादा क्या हया हो सकता है। अगर आप में शर्म होती तो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच, 5 अदालत-ए-उज़्मा के सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच मुत्तफ़िका फैसला देते हुए आपको झूठा कहता है, आपको बदयानत कहता है, आपको फ्रॉडुलेंट कहता है, आपकी फोर्जरी साबित करता है, आपको नाअहल करार देता है आर्टिकल 62 के तहत। अगर आप में शर्म होती तो आप सर झुका के चंद्रमा घर बैठ जाते कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आपको झूठा बदयानत करार देते हुए नाअहल डिक्लेयर करके इख्तियार से अलग किया है। आपकी टिकाई की हाल यह है कि आप बजाय शर्म से घर बैठने के, बजाय मुंह छुपाने के, जीटी रोड पर इत्तेजाज करके आने का सोचते फिरते। इतना बेशर्म आदमी मैंने कभी नहीं देखा। हमने 2014 में धरना दिया था, हमने जनवरी 2013 में भी धरना दिया था, 2014 में धरना दिया, हम जीटी रोड पर गए, सारी दुनिया को मालूम था कि किसके खिलाफ जा रहे हैं, किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम आपको ललकार रहे थे, हम गोल मोल बातें नहीं कर रहे थे, ये नहीं कहते थे कि उनके खिलाफ ये इल्जाम है, वो ये कहते हैं उन्होंने ज्यादती की है, ये उन्होंने कौन होता है उन,
जो वो कौन होते हैं। अगर आपने जुरत है तो खुल कर बात करो, किसने जाप्ती की है, एहतजाज किसके खिलाफ है। मरकज में आपकी हुकूमत, आप कहते हैं जमहूरियत की लाज नहीं रखी जाती, आप कहते हैं जमहूरियत को मुझे 20 करोड़ आवाम ने मुंतखब किया है और 5 आदमियों ने घर भेज दिया। आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? ये 5 आदमी वो हैं जिस आजाद अदलिया की बहाली के लिए आपने खर्च किया था और तहरीक करवाई थी। अब उस आजाद अदलिया जिसकी बहाली की तहरीक चलाई थी उसी ने फैसला किया है। आप कहते हैं कि 5 आदमी घर भेज देते, मैंडेट का लिहाज नहीं किया जाता। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब कुछ सोचें, इससे बढ़कर जमहूरी मैंडेट का हया क्या हो कि आप नाअहल हो गए, बददियानत निकले हो गए, झूठे निकले हो गए, खाइन निकले हो गए, डिसऑनेस्ट निकले हो गए, इख्तदार से जूते मार के निकाल दिया गया। उसके बावजूद साबिक नाअहल वजीर आजम होकर आपने जिस शख्स की तरफ उंगली की, जिसको नामजद किया खाकान अब्बासी साहब को, वही वजीर आजम बन के बैठे। फौज जफर मौज आपकी जमात के वफाकी वजरा है, इसके अलावा कौन सी जमहूरियत है? हुकूमत आज भी आपकी है, वजीर आजम आपका नामजद करता है, वजरा आपके बैठे हैं, इक्तदार हुकूमत इस्लामाबाद में आपकी है, पंजाब में आपकी है। आप कहते हैं यहां जमहूरियत को कोई मैंडेट मांगता नहीं, और मैंडेट किस बड़ा का नाम है? उन्होंने आपकी असेंबलियां नहीं तोड़ी, आपको रूल करने का राइट आपसे नहीं छीना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किया है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को बरकरार रखा है, रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखा है। आपको याद होती है नई हुकूमत बना लो, आपकी पार्टी की हुकूमत, इससे बढ़कर जमहूरियत का मैंडेट और क्या होता है? इससे पता चला कि आप जमहूरियत में यकीन नहीं रखते, आपका यकीन जमहूरियत में नहीं है। अगर आप और आपका खानदान जाती तौर पर खुद इख्तदार में हो तो उसका नाम जमहूरियत है। अगर आपका खानदान हट जाए, भले इख्तदार और हुकूमत आपकी पार्टी की हो जाए, आप उसको जमहूरियत नहीं मानते, हटाओ। आपकी पार्टी की गवर्नमेंट है, आप उसको जमहूरियत नहीं मानते, यह फिरौन का मिजाज है। आप बताएं आप हैं क्या? अगर आप जमहूरियत में बिलीव करते हैं तो फिर आपकी पार्टी नून लीग उसी की हुकूमत है या नहीं? बोलिए किसकी है? वजीर आजम किस जमात का है? कैबिनेट किस जमात की है? सारा कुछ आपके हाथ में है, आप फिर कहते हैं जमहूरियत नहीं इस मुल्क में? इसका मतलब यह है जमहूरियत सल्तनत शरीफिया का नाम है। अगर रायमेंड वाले इख्तदार की कुर्सी पर बैठे तो इसका नाम जमहूरियत है, अगर रायमेंड के वाले ना बैठे भले उनकी पार्टी की हुकूमत हो, आप उसको जमहूरियत ही नहीं मानते। आप अपनी जहनीयत का इलाज करें, इसी जहनीयत ने इस मुल्क को इस अंजाम तक आके पहुंचाया है। और देखना यह है मैं अभी आ रहा था एयरपोर्ट से उतर के इस बहुत बड़े काफिले के साथ माल रोड पर, तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, जगह जगह किसी बोर्ड पे लिखा हुआ हम सादिक हैं, हम अमीर हैं, हम सब नवाज शरीफ हैं। अगर तीसरा जुमला ना लिखते तो मैं सोचता हम कौन हैं, लिखा हुआ हम सादिक हैं, हम अमीर हैं, तो हम तलाश करते कि हम सादिक हम अमीर कौन है। नीचे लिखा हम सब नवाज शरीफ हैं, इसका मतलब है आप अपने आप को गाली दे रहे हैं। नवाज शरीफ आज एक गाली है, नवाज शरीफ अत्यंती का नाम है, नवाज शरीफ झूठ बोलने का नाम है, नवाज शरीफ लूट मार करने का नाम है, नवाज शरीफ हरामखोरी, नवाज शरीफ कौमी खजाना।
जमाना लूटने का नाम है, नवाज शरीफ पूरे मुल्क को बर्बाद करने का नाम है। तो जब आप कहते हम नवाज शरीफ हैं तो अपने आप को गाली देते। उसके बाद फिर आगे गए, आगे दरख्तों पर और बोर्ड लगे हुए, उस पर लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ दरख्तों पर जो दिनों में हुकूमत करता है बस रहा है, हुकूमत उसी की है। ये पढ़ा कि नहीं आपने? जो दिलों में बस रहा है हुकूमत उसी की है। बाबा अब खुदा के लिए दिलों में ही हुकूमत कर लो, इस पाकिस्तान की जान छोड़ दो, तुमने पाकिस्तान को खा लिया, अब दिलों की हुकूमत ही कर लो। इजाजत है तुम्हें, इजाजत है। अगर कोई दिल इतने घटिया हो गए कि वो खिलाफत की हुकूमत मानते हैं और खिलाफत को कबूल करते हैं और बेईमानी को कबूल करते हैं और झूठ को कबूल करते हैं और बदयानती को कबूल करते हैं, तो ऐसे दिलों की हुकूमत कर लो, पाकिस्तान की जान छोड़ दो। हमारा जमहूरी हक नहीं माना जा रहा। नवाज शरीफ साहब वो शख्स हैं कि 90 की दिहाई में इनके खिलाफ फैसला आने वाला था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करा दिया। और याद है आपके नौजवान बच्चों को नहीं पता होगा, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फिजिकली अटैक कराया, घुंडे भेजे अपनी पार्टी के, डंडा सोटा देकर वो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों को फलांग के गुजर गए, सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दिया और पूरा सुप्रीम कोर्ट का बेंच टुकड़े करके दो बेंच बन गए, एक इस्लामाबाद में बैठाया, एक क्वेटा में बैठाया। वो फैसला आपके खिलाफ आया नहीं था, आने वाला था, वो आने वाला फैसला कबूल नहीं किया इस ज़हनियत ने, सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दिया था। अब फैसला आ गया है, इन्हें तवक्को नहीं थी, ये तवक्को इनको नहीं थी तो मुझे भी नहीं थी, मेरी तवक्को के खिलाफ आया है। इससे मेरा दिल कहता है कि अल्लाह की मदद और नुसरत उतर रही है। ये कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हम 3 साल से कंधों पे उठाते फिर रहे हैं, कातिलों, इंसानियत के कातिलों, मासूम बेटियों के कातिलों, मासूम जानों के कातिलों, 3 साल से तुम्हारे इक्तदार में हम लाशें कंधों में उठा के फिर रहे हैं, 100 के करीब जख्मियों के छन्नी जिस्म उठा के फिर रहे हैं, 1000 लोगों पर झूठे कैदोबंद के मुकदमे संभाल रहे हैं, और जस्टिस बाकर नकवी कमीशन की रिपोर्ट हाई कोर्ट में हमारी अपील पड़ी है, 2 अपीलें गई थी, 2। एक अपील ये थी पिटीशन कि इसे पब्लिक किया जाए, कत्ल हमारे हुए हैं, हमारे शहीद हुए हैं, हमें पता तो चले कि कमीशन ने रिपोर्ट क्या दी है, हमारा हक है। आप कहते हैं हमें नहीं बताया गया, आपने 14 कत्ल करके हमारा हक हमें नहीं दिया, हम दर बदर धक्के खाते फिरते हैं, करोड़ों रुपए फीसों पर खर्च करते करते, हम अदल के लिए, इंसाफ के लिए दर बदर धक्के खा रहे हैं। हमारी एक अपील खारिज हो गई, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में तारीख अभी नहीं मिली, दरख्वास्त पड़ी है। मैं सुप्रीम कोर्ट की उस अदालत के उज़्मा से दरख्वास्त करता हूं कि एक जीआईटी आपने बनाई है, इनका चेहरा नंगा हो गया, उसी जीआईटी को मॉडर्न टाउन का केस भी दे दो, पता चल जाएगा कि 17 जून की रात के अंधेरे के पीछे असल कावर है कत्ल के मंसूबे में चेहरे चुपे हुए, और दिन दिहाड़े जो कत्ल करवाए गए इसका हुक्म देने वाले कौन है,
सुप्रीम कोर्ट उसी जेआईटी को मैं कानून की मदद मांगता हूं। सुन ले, मेरी उम्र पूरी दुनिया में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग लड़ते गुजरी है। मैं कौम को, कौम के बेटों को, बेटियों को, अगली नस्लों को पिछले 30 साल से अमन सिखा रहा हूं, पुरअमन दिल दे रहा हूं उनके सीनों में, उन्हें पुरअमन दिमाग दे रहा हूं, पुरअमन सोचे दे रहा हूं, उन्हें पुरअमन किरदार दे रहा हूं। यही वजह है कि 14 शहीद हो गए, 100 छलनी हो गए, हमने अमन का रास्ता और कानून का रास्ता नहीं छोड़ा। अगर अमन और कानून का रास्ता छोड़ते और आपसे बराह रास्त बदला लेने का सोचते तो वक्त के फिरौनों लाहौर की गलियों पर आपका चलना नामुमकिन बना देते, आपकी नस्लें भी बचा देती मॉरेटाउन के शहीदों के खून का। मगर नहीं, मेरा मशरब है, मेरा मजहब है, मेरी तालीम है, मेरा कैरेक्टर है, मैं कानून में बिलीव करता हूं, रूल ऑफ लॉ में, मैं जमहूरियत में बिलीव करता हूं, मैं इंसानी हकूक ह्यूमन राइट्स में बिलीव करता हूं, मैं अमन पीस और सिक्योरिटी में बिलीव करता हूं। हमने कानून और अमन का रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन आपने अमन और कानून को कमजोरी समझा है और 3 साल से वो रिपोर्ट शायद नहीं करने देते। और दूसरी अपील और पिटीशन हमारी हाईकोर्ट में पड़ी है, उसकी समाप्त ही नहीं हो रही, समाप्त ही नहीं हो रही। अगर दूसरों की समाप्त ही ना हो कत्लों के बाद, शहादतों के बाद, तो आपके कानून में वो इंसाफ है। और आपकी 273 दिन समाप्त हुई है, मौके मिले हर फोरम पर, और फिर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। आप कहते हैं कि हमसे ज्यादती हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको हमारे केस में बरी कर देती तो मैं जीटी रोड पर एहतजाज का कोई ऐलान न करता। मैं कहता अगर दिल मुतमईन नहीं भी तो इससे ऊपर कोई फोरम नहीं, फिर अल्लाह की अदालत से इंसाफ लेंगे, खामोश हो जाता। हमारा किरदार ये, पर आपको इत्तेदार से नाहल करके बाहर निकाला है, हुकूमत स्टेट आपकी है, खजाना आप लूटते रहेंगे, रायमंड में बैठ के हुक्म आपका चलता रहेगा, एक एक सतर आपके हुक्म के मुताबिक लिखी जाएगी। पंजाब जो 60-65% पाकिस्तान के वसाइल और वोट और अफराधी कुवत और सीटें वो सब आपके घर में रहेंगी। फिर आप चीखते हैं, इसका मतलब यह है कि आप मुल्क में किसी कानून की बालादस्ती को मानने वाले ही नहीं। मैं कौमी इदारों को कहता हूं, अगर इस मुल्क के निजाम को ऐसे गंदे वाले और नफ्स परस्त और अना परस्त लोगों से कौमी निजाम को और सियासत को, निजाम इंतखाबात को, इख्तदार को निजात न दिलाई गई तो पूरा मुल्क तबाही और बर्बादी में होगा, हमारा मुस्तकबिल तारीख होगा। हम ये समझते हैं, अभी देखो चोर गया है, कातिल बाहर बैठा है, 126 मुलजिमों को समन जारी हुए हमारे इस्तगासा के केस में, आईजी से लेकर एएसआई तक और कांस्टेबल तक एक शख्स भी जेल में नहीं है, उन्हें जमानतें कराने की तकलीफ भी नहीं दी गई। आप इसको कानून कहते हैं? ऐसी अंधेर नगरी, ऐसा जुल्म, ऐसा जबर, ऐसी नाइंसाफी, ऐसी आइन की तबाही और ऐसे मजलूम इंसानों का कत्ल, आपके यहां इस अमल का नाम आइन और कानून और जबूरियत है। एक बच्चा, एक शख्स मर जाए तो कातिल जेल में जाता है,
जब तक 302 अल्लाह के हाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। सारे मॉडल टाउन में जुल्म की इंतहा कर दी गई। एक शख्स इख्तदार से बरतरफ हो गया, पूछता है मेरा कसूर क्या है। 17 जून 2014 को जिन इंतजामिया से कहना चाहता हूं, पुलिस से कहना चाहता हूं, इंतजामिया से कहना चाहता हूं, सिक्योरिटी एजेंसी से कहना चाहता हूं कि मजमा मेरी ताकत से बाहर निकलता जा रहा, मुझे इनकी मर्जी पे अमल करना पड़ेगा। फैसला सुनाऊंगा, एक ही बार सुनाऊंगा, फिर पीछे नहीं हटूंगा। 2 मिनट वफा दे देता नहीं होगा। अमलाक दरख्तों का एक पत्ता भी नहीं टूटेगा, पत्थर नहीं लगेगा, किसी शख्स को तकलीफ नहीं दी जाएगी। वादा करते यही किरदार है, यही किरदार है। मेरे कारकुनों जैसे पाकिस्तान की तारीख में किसी मां ने बेटे पैदा नहीं किए, और मेरी बेटियों जैसी कारकुनों जैसी इस पाकिस्तान की धरती पर माओ ने ऐसी बेटियां पैदा नहीं की। मैं कोई किसान, मैं इनको अदल का सबक दूं, एतदाल का सबक दूं, न्याना रवि का सबक दूं, अमन और तकवा का सबक दूं, अखलाक का सबक दूं, मैं नरमी सिखाऊं, और इन पर गोलियां चले तो इनकी गर्दनें कटे और झुके नहीं। कोई ऐसा किरदार दिखा सकता है? तारीख रकम कर दी। मैं बताना चाहता हूं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इंसाफ के रास्ते खोल लो। सामने बेगुना लोगों को शहीद और जख्मी किया गया। कह रहे थे नासिर बाग में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर